दोस्तों जब कोई सपना छन्न से टूटता है तो जग बड़ा सूना सूना लगता है। शाहरुख खान की फिल्म का ये गाना बस गाना नहीं है, आज महाराष्ट्र की राजनीति में किसी एक पर एकदम फिट बैठ रहा है। मैं तो कहती हूँ अमित शाह ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे के सारे सपने, उनके अरमान, उनकी उम्मीदों का गला घोटा है वो तो अलग, लेकिन सबके सामने जो उनके साथ ये सब कुछ किया गया है ये अपने आप में एक नज़ीर है उन लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी के कहने पर या तो अपनी पार्टियां छोड़ी या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। बीजेपी उन लोगों के साथ क्या करती है आज पता चल गया। आज एक बहुत भव्य कार्यक्रम महाराष्ट्र में था, खुद अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये कार्यक्रम था बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम। हालांकि दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है लेकिन उसने एनडीए का घोषणा पत्र जारी नहीं किया, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन इस घोषणा पत्र वाले कार्यक्रम में देखिए ऊपर छोटी सी एकनाथ शिंदे की फोटो है। अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है अमित शाह ने, मोदी जी ने, तो इतना तो बनता है। चलिए कोई नहीं, फोटो छोटी रखी तो क्या हुआ, कम से कम दिल तो बड़ा करते, लेकिन वो भी ना हो सका। दोस्तों बीजेपी का जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो सभी ने अपने अपने भाषण दिए लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर एक सवाल आ गया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अमित शाह ने जो दिया वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल सवाल एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं था एग्जैक्टली, वो सवाल का जवाब एकनाथ शिंदे को बहुत प्रभावित करता है। सवाल था मुख्यमंत्री को लेकर कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा एनडीए का। तो जब ये सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो अमित शाह ने कहा अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। उफ, सोचिए आप मुख्यमंत्री हो और आपको लेकर सवाल पूछा जा रहा हो और आपके जो बिग ब्रदर कह लीजिए या आपके गठबंधन के बड़े साथी हैं वो कह दे कि अभी तो सीएम है, चुनाव के बाद बैठ कर तय करेंगे किसको सीएम बनाना है, कैसा लगेगा आपको? सीने पे सांप लोटने जैसी फीलिंग आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ एकनाथ शिंदे को जब ये कानों तक की बातें पहुंची होंगी उनका दिल टूट गया होगा, छन्न से टूट गए होंगे सारे सपने। दोस्तों अमित शाह को ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह का सवाल नहीं आएगा, उनको पता था इस तरह का सवाल आएगा पत्रकारों से, लेकिन फिर भी वो इसको शुगर कोट कर सकते थे, एकनाथ शिंदे का नाम ना लेते कुछ ऐसे ही बोलते कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे दिया अमित शाह ने कि अभी एकनाथ शिंदे हैं, आगे बैठकर बात करेंगे। अब बैठकर क्या बात करेंगे दोस्तों, सारा जहान जानता है जो एक पार्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जाहिर सी बात है जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में सबसे ज्यादा जो विधायक है चुने जाने की भी संभावना है उसी पार्टी की है, और जिस पार्टी की सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भी उसी का बनेगा। अभी भी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। हाँ, ये बीजेपी का बैड लक हुआ कि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन टूट गया, फिर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने सारे तिकड़म किए ना दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर एकनाथ शिंदे को एनडीए का हिस्सा बना दिया, ना केवल हिस्सा बनाया बल्कि सीधा सीएम बना दिया। सोचिए एकनाथ शिंदे ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन ये सीएम की कुर्सी पद ऐसा है ना, समझ लीजिए कि शेर की जुबान में खून लग जाना। कौन चाहता है मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके हाथ जाए, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी। एकनाथ शिंदे हर लिहाज से चाहते हैं दोस्तों कि वो सीएम बने रहें, लेकिन अब तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो आप सीएम हैं, बाद में विचार विमर्श करेंगे। अब विचार विमर्श तो क्या ही होगा, जब एकनाथ शिंदे को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि उनके विधायक जीत कर आ पाए, तो यही हो सकता है कि एकनाथ शिंदे किंग मेकर बन जाएं और एकनाथ शिंदे के कुछ विधायक मंत्री बन जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि बीजेपी के दिमाग में ऐसा कोई प्लान है कि जो गत देवेंद्र फडणवीस की हुई कुछ वैसे ही गत एकनाथ शिंदे की कर दी जाए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी सीएम थे लेकिन बीजेपी आलाकमान के कहने पर उनको खून का घूंट पीना पड़ा और डिप्टी सीएम बनना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे को भी डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ेगा अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो? ये तो बहुत बड़ा अपमान होगा दोस्तों। सोचिए एकनाथ शिंदे जो सीएम है, मतलब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, उनका कैडर क्या मुंह लेके जाएगा उनके पब्लिक के बीच। हालांकि ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है, अभी तो चुनाव होने हैं, चुनाव होंगे फिर नतीजे आएंगे फिर सरकार बनेगी, फिर सरकार बनती है तो कैसी बनती है। लेकिन अपने इस एक बयान से अमित शाह ने सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए हैं। अब कोई कन्फ्यूजन ना तो बीजेपी के अंदर है ना ही एकनाथ शिंदे के अंदर है, और इस कन्फ्यूजन को और क्लियर करने के लिए इस कार्यक्रम की ये फोटो मैं चाहती हूँ, जरा आप गौर से देखें।
अब इस फोटो को फिर से गौर से देखिए, एकनाथ शिंदे की फोटो दिख रही है ना आपको? अरे वो ऊपर छोटी सी एकनाथ शिंदे की फोटो, बीच में जो फोटो है सबसे बड़ी वो किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृहमंत्री अमित शाह की, और उसके अलावा जो छोटी फोटो है वो किसकी? देवेंद्र फडणवीस की। यानी कि इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी अपना चेहरा जो मानती है स्थानीय तौर पर महाराष्ट्र में, वो देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे तो नहीं है। तो अपने इस घोषणा पत्र की इस फोटो से भी उन्होंने ये बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस उनका चॉइस हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अभी अमित शाह के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस का भी पत्ता कट जाए और दो तीन नाम हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है, हो सकता है उनको सीएम बना दिया जाए अगर एनडीए की सरकार आती है तो। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए दोबारा से सीएम बनना तो अब बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? अब जब उन्हें चुनाव से पहले ही कह दिया गया है कि अभी तो आप सीएम हैं, तो फिर आगे की बात आगे की जाएगी, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या कर सकते हैं? अब ले देखिए, उनके पास दो हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, हार्डली 10 दिन का भी वक्त आप कह सकते हैं जब वो सीएम हैं, इसके बाद उनकी कुर्सी जाएगी, तो अब उनके पास क्या गेम प्लान है? ए, एकनाथ शिंदे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और अपने आप को इस पोजिशन में ले आएँ कि किसी भी हाल में उनके बिना सरकार ना बन पाए, क्योंकि दोस्तों चाहे एनडीए हो या इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में किसी एक पार्टी में इतना दम फिलहाल नहीं दिख रहा है कि अपने दम पर कोई सरकार बना ले। तो अगर ऐसा हो तो एकनाथ शिंदे फिर चॉइस लगा सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। तो फिर एकनाथ शिंदे कह सकते हैं जब पहले मैं सीएम बन सकता हूं कम सीटों के साथ, तो फिर दोबारा सीएम क्यों नहीं बन सकता? तो एकनाथ शिंदे पूरा जोर लगा दे कि ज्यादा से ज्यादा उनके विधायक जीत कर आए, लेकिन कितने भी जीत लेंगे तो बीजेपी से तो कम ही होंगे ना। अब आ गया रास्ता नंबर दो, एकनाथ शिंदे के पास एक और रास्ता है। एकनाथ शिंदे बड़े स्तर पर भाजपा हराओ अभियान भी चला सकते हैं। भाई एकनाथ शिंदे क्यों चाहेंगे कि बीजेपी के विधायक ज्यादा आए? क्योंकि जितना बीजेपी की टैली ऊपर जाएगी उतना उनके सीएम के बनने की संभावनाएं नीचे जाएंगी। बात सिंपल सी है दोस्तों, एकनाथ शिंदे को अपने कैडर को मैसेज देना है ना, वो विधायक जो उनके साथ इधर हो लिए, वो कैडर जो उनके लिए झंडा उठा रहा है, उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से लड़ रहा है जमीन पर इस वक्त चुनाव में, उनको क्या मुंह दिखाएंगे एकनाथ शिंदे? तो ये हो सकता है दोस्तों कि गठबंधन के अंदर अब और गदर मचे जो कि एनडीए में पहले से ही मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे इस बयान के बाद उनको इतना तो समझ में आ गया है कि अब अगर उनको सीएम बने रहना है तो ना केवल उनको अपनी टैली इंप्रूव करनी होगी बल्कि बीजेपी की टैली को इतना सीमित करना होगा कि उनमें और बीजेपी की टैली में बहुत फर्क आए। अगर ऐसा हुआ तो शायद एकनाथ शिंदे सीएम बन जाएं। तो अब अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए तो बात की होगी। और दोस्तों ये बात जो बीजेपी ने बोली है ये अचानक से ऐसे ही नहीं बोली है। एकनाथ शिंदे को अभी कुछ दिन पहले झटका तब लगा था जब अचानक से बीजेपी दफ्तर के बाहर देवेंद्र फडणवीस के सीएम उम्मीदवार के नाम पर पोस्टर्स लगा दिए गए थे कि सीएम उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस हैं, और इसको लेकर बीजेपी ने ना तो पोस्टर हटाए ना ही कोई बयान दिया। तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? अभी चुनाव में बहुत सी ऐसी सीटें हैं, चाहे राज ठाकरे के बेटे की उम्मीदवारी को लेकर एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी के बीच का फ्रैक्शन देखने को मिला हो, या फिर टिकट बंटवारे में भी एकनाथ शिंदे को बहुत सी सीटों पर अपना मन एक तरह से मारना पड़ा हो। तो एकनाथ शिंदे ने बहुत चीज़ों पर समझौते किए हैं और करने भी पड़ेंगे दोस्तों। अमित शाह ने ही कह दिया था, याद होगा आपको टिकट बंटवारे के वक्त, हमने बहुत बलिदान किया, बलिदान करने की बारी आपकी है। बात भी ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी आपको सीएम बना रही है, अपना सीएम ना बनाकर आपको सीएम बना रही है तो बलिदान तो करना होगा, लेकिन राजनीति में बलिदान कौन करता है दोस्तों? एक बार सीएम की कुर्सी मिल जाए, कौन चाहता है सीएम की कुर्सी उसके हाथ से जाए? ये सत्ता ऐसी चीज़ है कि एक बार आप शीर्ष पर पहुंच जाए ना, फिर आप कैसे भी करके वहां पर बने रहना चाहते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की। उधर अजित पवार आंख दिखा रहे हैं अलग। अजित पवार ने तो साफ साफ कह दिया है योगी आदित्यनाथ को कि ये बटेंगे कटेंगे वाले नारे यहाँ नहीं चलेंगे, जाइए वहाँ यूपी में, यूपी में नारे लगाइए, ये यूपी वाले यहाँ के नारे लगाते हैं, इस तरह की भाषा यहाँ नहीं चलती, महाराष्ट्र के लोग ये पसंद नहीं करते। अजित पवार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी एकनाथ शिंदे को आंख दिखा रही है। एकनाथ शिंदे परेशान है कि उनकी सीएम की कुर्सी अब 10 दिन ही और बचनी है, तो आगे वो क्या करेंगे? तब जब एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा था कि वो 288 सीटें मतलब सारी सीटों पर खर्चा उठाने को तैयार थे, वो तो उनको फ्री हैंड दिया नहीं गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत से राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो जाहिर सी बात है अब एकनाथ शिंदे के आगे तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। आने वाले वक्त में हो सकता है दोस्तों महाराष्ट्र के भीतर की पॉलिटिक्स की बहुत सी खबरें मीडिया में ना आ पाएं,
या हमें ना पता चल पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है हम दिल्ली में बैठकर इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अमित शाह का ये बयान अपने आप में एनडीए के अंदर वो सुनामी लाएगा जिसके परिणाम आपको इलेक्शन रिजल्ट में दिखाई देंगे सीधा। हो सकता है कि अभी ये बिल्कुल शांति जो दिखाई दे रही है ना, अंदर ही अंदर कोई सैलाब पैदा कर रही हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एकनाथ शिंदे अपना इतना घोर अपमान, इतना तिरस्कार सहन कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।